भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के परिवार में विदिशा के कांग्रेस के अभी तक जिलाध्यक्ष थे, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और उनके साथ कई जनप्रतिनिधि, पंच सरपंच से लेकर के जनपद जिला पंचायत, वो सब लोग भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। टीकमगढ़ के हमारे वरिष्ठ नेता, वहां के कांग्रेस के रहे विधायक दिनेश अहिरवार जी, जो इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता हैं, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में ही खजुराहो लोकसभा के वहां के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई कैलाश द्विवेदी जी, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी आज मध्य प्रदेश के अंदर आगे बढ़ती चली जा रही है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और प्रधानमंत्री जी ने कल कहा था कि कांग्रेस में भगदड़ मची है, तो ये कांग्रेस की भगदड़ आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लोगों को लगता है कि हमें कुछ काम करना है, सामाजिक दृष्टि से भी और देश के लिए कुछ काम करने की भूमिका अगर बनती है तो लोगों को लगता है कि आज के समय में अगर राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करना है। तो इस दिशा में आज लगातार भारतीय जनता पार्टी में ऐसे हमारे सभी भाई और बंधु भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं सबको बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में उन सबका स्वागत है। और आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि आपको लगेगा कि आप एक भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं। हमारे ज्वाइनिंग के इंचार्ज विशेष तौर पर माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे पूर्व कैबिनेट के मंत्री भाई भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय रघुनंदन शर्मा जी, विदिशा के हमारे मनोज कटारे जी, जिलाध्यक्ष हैं हमारे राकेश जाधव जी, आप देखते जाइए। और भारतीय जनता पार्टी में मैंने पहले ही कहा कि जो लोग आज के समय में जिनके मन में है कि हम कुछ काम करना चाहते हैं, मैं अभी राधोगढ़ गया था, राधोगढ़ की जनता ने, मैंने रात्रि विश्राम किया था वहां गांव चलो अभियान में, राधोगढ़ की जनता ने पूछा कि हमने जिस व्यक्ति को वोट दिया, जिस परिवार को वोट दिया, उस परिवार ने हिंदुत्व के, देश के सांस्कृतिक मूल्यों की अवहेलना की, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। आज भी बोले दिग्विजय सिंह, आज भी बोलेंगे तो पॉलिटिकल स्टंट है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ये पॉलिटिकल स्टंट है, यही कांग्रेस को खत्म कर देगी। तो वहां के लोगों ने कहा कि हम दिग्विजय सिंह से पूछना चाहते हैं कि आप ये दोहरा चरित्र, यहां आप क्या कहते हो, और जब करोड़ों करोड़ों के हृदय में राम विराजमान है, वो हमारे श्रद्धा और आस्था के केंद्र, उसकी आप अवहेलना करते हैं और नकारते हैं, आपने वॉकआउट किया कि हम जाएंगे नहीं। तो आपने राधोगढ़ की जनता नहीं, पूरे देश की करोड़ों करोड़ जनता के अपमान करने का काम किया है। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि देश के अंदर ऐसी कांग्रेस में अब रहने की जरूरत क्या है। तो कांग्रेस अपना अस्तित्व देश के अंदर खो रही है, तो इसलिए ऐसे लोग जो भी हैं, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि राजनीतिक दृष्टि से हम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं, और अगर किन्हीं लोगों को लगता है कि उनको लगता है कि हम भाजपा में जाकर के देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में, उनका स्वागत है। नरेंद्र मोदी जी की रीति नीति से प्रसन्न होकर, खुश होकर, और जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो उनके द्वारा संचालित हैं, जो आम जन तक उनका लाभ पहुंच रहा है, तो उनसे प्रभावित होकर आज मैंने प्रदेश के नेता सम्मानी बीडी शर्मा जी, सम्मानी नरोत्तम मिश्रा जी, सम्मानी हमारे भूपन भाई साहब, सबके जिलाध्यक्ष जी भाई राकेश यादव जी, सबके सानिध्य में मैंने, और सबसे प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं निश्चित तौर पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं
एक ऐसी पार्टी जिसने 500 वर्ष तक रामलला बाहर रहे, टेंट में रहे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा अभी पिछली 22 तारीख को कराई, और पूरे जो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व था उन्होंने रामलला के जो 22 तारीख के आमंत्रण को अस्वीकार किया था, उससे निश्चित ही हम लोगों को बहुत ठेस पहुंची थी और तभी से एक गुठन हम कांग्रेस पार्टी में रहकर महसूस कर रहे थे। और मैं तो उस परिवार से हूं जिसने 70-80 वर्ष पहले भव्य रामलला का दरबार विदिशा जिले में बनाया है। मैं उस परिवार से हूं कि मेरे जितने व्यवसाय हैं वो सारे व्यवसाय श्री राम के नाम से हैं, चाहे मेरा श्री राम हॉस्पिटल हो, चाहे श्री राम होटल हो, चाहे श्री राम इलेक्ट्रॉनिक शोरूम हो, चाहे श्री राम फर्नीचर हो, चाहे श्री राम फ्यूल स्टेशन हो, चाहे श्री राम फिटनेस सेंटर हो। अगर मैं मेरे निवास की बात करूं तो चाहे वह मेरा निवास हो श्री राम कुटी हो, श्री राम कुंज हो, मैं और आपको ले जाऊं आगे तो चाहे वो कृषि श्री राम कृषि फार्म हो, और आगे ले जाऊं तो मेरे पिताजी का नाम भी श्री राम सेवक जी कटा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी ने वो 10 साल में वो करके दिखाया है जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया, इसलिए मैं उनकी रीति नीति से प्रभावित होकर के आज मैंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। और माननीय बीडी शर्मा जी, भूपेंद्र जी, नरोत्तम मिश्रा जी, इन सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आज मुझे मौका दिया है, मैं इस पार्टी में रह करके तन मन धन से इस पार्टी की सेवा करूंगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।